हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएलएफ साइंटिस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थ्रोम्बो इलास्टोग्राफी। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। थ्रोम्बो इलास्टोग्राफी, जिसे हम शॉर्ट में TEG के नाम से भी जानते हैं, इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। इसका मतलब क्या है? जो थ्रोम्बो इलास्टोग्राफी होती है, ये एक मेथड है टेस्टिंग का। क्या टेस्ट करने का? कि जो ब्लड कोएगुलेशन होता है उसकी एफिशिएंसी कैसी है। देखिए, ब्लड कोएगुलेशन जो होता है, इसके कुछ सेवरल स्टेप्स होते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है हीमोस्टेसिस के नाम से, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी। तो उसमें आपको समझ आएगा कि ब्लड कोएगुलेशन के कुछ सेवरल स्टेप्स होते हैं। उसके स्टेप्स होते हैं जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं, फिर प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद फिब्रिनोजन फिब्रिन स्ट्रेंड्स के अंदर बदलता है, फिर वहाँ पे क्लॉट बनता है, क्लॉट बनने के बाद उसका फिब्रिनोलाइसिस होता है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं ब्लड कोएगुलेशन के। तो जो TEG है, ये एक मेथड ऑफ टेस्टिंग है जो हमें ये बताता है कि जो ये कुछ स्टेप्स है, हर एक स्टेप को एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि हाँ, हर एक स्टेप की जो एफिशिएंसी है वो सही है, वो नॉर्मल डायरेक्शन में हो रही है। जैसे कुछ टेस्ट होते हैं PT APTT। PT आपको बताता है एक्सट्रेंसिक पाथवे के बारे में, APTT आपको बताता है इंट्रेंसिक पाथवे के बारे में। तो इन टेस्ट के क्या हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे PT आपको सिर्फ एक्सट्रेंसिक पाथवे के बारे में बताएगा, APTT आपको सिर्फ इंट्रेंसिक पाथवे के बारे में बताएगा, लेकिन थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी जो है वो ब्लड कोएगुलेशन के हर एक स्टेप के एफिशिएंसी को बताता है। अब ये मेनली यूज़ में लिया जाता है कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि सर्जरी में, इमरजेंसी में, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन सब जगहों पे ये मेनली यूज़ में लिया जाता है। थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी जो है वो एनालाइज होती है बाय थ्रोम्बोइलास्टोग्राम। थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी हम कैसे पता करेंगे कि ब्लड कोएगुलेशन एफिशिएंट है या नहीं है? तो हम किस क्या चीज़ हेल्प में लेते हैं, हम एनालिसिस करते हैं थ्रोम्बोइलास्टोग्राम का। अब नेक्स्ट है कि थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी की वर्किंग कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे। इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले है हमारा रोटेटिंग कप। रोटेटिंग कप का नाम से हमें मालूम लग रहा है कि क्या का एक कप है जो रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। इस रोटेटिंग कप में हम क्या डालते हैं, पेशेंट का होल ब्लड सैंपल डालते हैं। और ये किस डिग्री पे रोटेट करता है, 4 to 45 degree एक्सेस पे रोटेट करता है। इसके अंदर हम पेशेंट का होल ब्लड सैंपल डालते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पिन है और ये क्या है, एक टॉर्शन वायर है। ये टॉर्शन वायर पे क्या लगी है, एक पिन लगी है जो हैंग हो रही है। और यहाँ पे है आपका एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। ये किससे अटैच्ड है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन से अटैच्ड है। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट के होल ब्लड सैंपल को इस कप के अंदर यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। पेशेंट का जो होल ब्लड सैंपल है, उस रोटेटिंग कप में हम ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये रोटेटिंग कप रोटेट होना स्टार्ट होगा। रोटेट होने की वजह से इस रोटेटिंग कप में, यहाँ रोटेट होने की वजह से क्या होगा, ब्लड को एक स्लो मूवमेंट मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं स्लगिश वीनस फ्लो। एक स्लगिश मूवमेंट मिलेगा इसे। इस मूवमेंट से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट होगा। ब्लड क्लॉट यहाँ कहाँ बनेगा, इस पिन के चारों तरफ यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनेगा। जैसे ही यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनेगा, यहाँ से एक मैकेनिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा। ये मैकेनिकल सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के पास और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस मैकेनिकल सिग्नल को हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ थर्मोइलास्टोग्राम। मतलब जो ग्राफ होता है थर्मोइलास्टोग्राम, उसकी फॉर्म में यहाँ पे उसको वो शो करेगा। वो क्या होता है, हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सुपरफिशियली हमें इसके एक बार इंस्ट्रूमेंटेशन को, मैकेनिज्म को समझना है। तो यहाँ पे हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि पेशेंट का होल ब्लड सैंपल हमने रोटेटिंग कप में प्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद रोटेटिंग कप को हमने रोटेट करा 4 to 45 degree एक्सिस के ऊपर, हमने इसको रोटेट करा, रोटेट किया और यहाँ पे हमने क्या सस्पेंड कर दिया, एक टॉर्शन वायर जिससे क्या अटैच्ड है, पिन अटैच्ड है। जैसे ही कप रोटेट होना स्टार्ट होगा, दिस रोटेशन प्रोवाइड अ मूवमेंट लाइक स्लगिश वीनस फ्लो। जैसे हमारे वीनस ब्लड फ्लो होता है ना स्लोली, स्लगिश का मतलब क्या है, स्लो, एक कॉन्स्टेंट अमाउंट में स्लोली, वैसे ही यहाँ पे एक स्लो वीनस फ्लो जैसा मूवमेंट मिलेगा। उस मूवमेंट से क्या होगा, जो क्लॉट फॉर्मेशन बनना है, इस चारों तरफ यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगा अराउंड द पिन। एज द क्लॉट बिकमिंग स्ट्रेटन, जैसे जैसे क्लॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनता जाएगा, स्ट्रेटन वाला अच्छी खासी उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी पिन के चारों तरफ। तो वहाँ से क्या होगा, एक मैकेनिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा वो सिग्नल। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है, वो ट्रांसफर करेगा मैकेनिकल सिग्नल्स को कहाँ पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ के फॉर्म में। और उस ग्राफ को हमने नाम दिया गया है थर्मो इलास्टोग्राम।
अब हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोइलास्टोग्राम क्या होता है और ये कैसे एनालिसिस करता है ब्लड कोएगुलेशन की एफिशिएंसी को। तो थर्मोइलास्टोग्राम को डिवाइड कर दिया गया है 5 अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर। पहला पैरामीटर हमारा आर, जो कि है रिएक्शन टाइम, के है यहाँ पे काइनेटिक टाइम, अल्फा एंगल, फोर्थ है MA जिसकी फुल फॉर्म है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और LY 30, फिफ्थ है लास्ट हमारा लाइसिस 30 मिनट्स। इसको शॉर्ट में याद करने की जो तरीका है वो है RK AML के नाम से, हम शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन पांचों का क्या सिग्निफिकेंस है ब्लड कोएगुलेशन की एफिशिएंसी को देखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा आर रिएक्शन टाइम। आर रिएक्शन टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन टिल फिब्रिन क्लॉट इनिशियली फॉर्म। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपका है थर्मोइलास्टोग्राम, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये है यहाँ से लेके जो यहाँ तक का टाइम है, ये होता है आपका आर टाइम। ये वाला जो टाइम है वो ये बता रहा है कि कब आपने रोटेशन करना स्टार्ट करा, आपने उसके अंदर होल ब्लड डाल दिया और रोटेशन जब स्टार्ट हुआ तो आपका ये स्टार्ट यहाँ से ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से ये पॉइंट वो है जब आपने रोटेट करना स्टार्ट करा, रोटेशन हुआ क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हुए, मूवमेंट हुई, वहाँ क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हुए जिससे क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ। ये वो पॉइंट है जब आपको पहला फिब्रिन क्लॉट यहाँ पे नज़र आएगा, बनता हुआ नज़र आएगा। तो रोटेशन स्टार्ट होने से और पहला फिब्रिन क्लॉट बनने के बीच का जो समय वो कहला जाता है आर टाइम और रिएक्शन टाइम। सो इट इज़ द टाइम टेकन टिल फिब्रिन क्लॉट इनिशियली फॉर्म। ये वो समय है जब आपका जो क्लॉट है वो इनिशियली फॉर्म बनना स्टार्ट होता है। नॉर्मल रिएक्शन टाइम जो इसकी रेंज होती है 4 to 8 मिनट, 4 से 8 मिनट लगता है फिब्रिन क्लॉट बनने में। इफ़ आर टाइम इज़ एलिवेटेड, अगर आर टाइम ज़्यादा आ रहा है, मतलब 8 मिनट से ज़्यादा अगर आर टाइम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस सैम्पल के अंदर, जिस पेशेंट का वो सैम्पल है, तो उस पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है। अब हमें पता है कि जो क्लॉट बनता है वो कौन बनाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं, और आर टाइम हमें क्लॉट का फॉर्मेशन बनने का समय ही तो बता रहा है। अगर यही ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हैं, तभी उसको ज़्यादा समय लग रहा है क्लॉट बनाने के लिए, ठीक है। तो आर टाइम अगर बड़ा हुआ आता है, एलिवेटेड आता है काफ़ी, तो हमें ये बता रहा है कि उस पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है। तो हम क्या एक्शन लेंगे, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे, हम क्या ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उसको? FFP ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर अच्छी सफिशियंट अमाउंट में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे जिसका उसका जो क्लॉटिंग फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल हो सके और आर टाइम भी उसका नॉर्मल आ सके। नेक्स्ट है हमारा के टाइम। के टाइम हमें क्या बताता है? इट इज़ द टाइम टेकन टू रीच अ फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm। हमें ये बता रहा है कि यहाँ तक तो आपका आर टाइम था, यहाँ पे फिब्रिन क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ, फिब्रिन क्लॉट बना। अब वो फिब्रिन क्लॉट जब 20 mm का बन जाएगा, उसके बीच का जो समय है वो के टाइम कहलाता है। समझ आया? के टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जब फिब्रिन क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ। और कहाँ तक हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि फिब्रिन क्लॉट बनना यहाँ से स्टार्ट हुआ और जब वो 20 mm का बन गया, तो यहाँ तक वो बन गया, तो इनके बीच का जो समय है वो कहलाएगा के टाइम। एक फिक्स हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी कि जब वो 20 mm का बन जाए, वहाँ यहाँ से लेके वहाँ तक का समय क्या कहलाएगा? के टाइम कहलाएगा, काइनेटिक टाइम कहलाएगा। सो इट इज़ अ टाइम टेकन टू रीच अ फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm। नॉर्मल रेंज होती है के टाइम की, वो होती है 1 to 4 मिनट, मतलब 20 mm का लगभग कब तक बन जाएगा? 1 से 4 मिनट में बन जाएगा। अगर के टाइम काफ़ी इंक्रीज्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो हमें ये बता रहा है कि वहाँ पे फिब्रिनोजन की कमी है। देखिए, क्लॉट जो बनता है, हम इसको रिवर्सिबल समझेंगे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ब्लड क्लॉट बन रहा है। क्लॉट मतलब वही थक्का बन रहा है। क्लॉट कैसे बनता है? जब फिब्रिन स्ट्रैंड्स एक साथ इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। फिब्रिन स्ट्रैंड्स होते हैं, ये एक साथ इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं, कुछ वर्टिकली ऐसे अटैच्ड होते हैं, फिर हॉरिजॉन्टली अटैच्ड होते हैं, और इस तरीके से क्लॉट बनता है। ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स कहाँ से आते हैं? ये आते हैं फिब्रिनोजन से। तो ओवरऑल क्या है कि क्लॉट कौन बना रहा है? फिब्रिन स्ट्रैंड्स। फिब्रिन स्ट्रैंड्स कहाँ से आ रहे हैं? फिब्रिनोजन से, जो प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो अगर फिब्रिनोजन का लेवल कम होगा तो फिब्रिन स्ट्रैंड्स कम बनेंगे। फिब्रिन स्ट्रैंड्स कम बनेंगे तो क्लॉट फॉर्मेशन में समय ज़्यादा लगेगा ना,
20 mm का बनने में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब के टाइम आपका ज़्यादा आएगा। तो के टाइम अगर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब फिब्रिनोजन की कमी है। अब फिब्रिनोजन की कमी है, हमें पता लग गया पेशेंट के अंदर फिब्रिनोजन की कमी है, तो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे, उसके अंदर हम FFP या क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम प्रायोरिटी पर रखेंगे क्रायोप्रेसिपिटेट, क्योंकि इसमें ज़्यादा सफिशियंट अमाउंट में फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, तो हम पेशेंट को क्या चढ़ाएंगे, FFP या क्रायोप्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है थर्ड हमारा अल्फा एंगल। अल्फा एंगल हमें क्या बताता है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ फिब्रिन एक्यूमुलेशन। ये हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है कि फिब्रिन जो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, फिब्रिन एक्यूमुलेट हो रहे हैं वहाँ पे, फिब्रिन इकट्ठे होते जा रहे हैं, उनकी स्पीड कितनी है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जब क्लॉट बनता है तो वहाँ पे क्या इकट्ठे होते हैं, फिब्रिन स्ट्रैंड्स इकट्ठे होते हैं तभी क्लॉट बनता है। तो ये जो अल्फा एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से बढ़ता जा रहा है। तो ये अल्फा एंगल हमें क्या बता रहा है कि कितनी स्पीड से ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। सो नॉर्मल रेंज जो होती है अल्फा एंगल की होती है, वो होती है 47 to 74 degrees। लो अल्फा एंगल अगर आ रहा है तो हमें बता रहा है लो फिब्रिनोजन लेवल है। देखिए डायरेक्टली अल्फा एंगल हमें क्या बता रहा है, जितना बड़ा एंगल बनेगा उतनी ज़्यादा स्पीड है फिब्रिन स्ट्रैंड्स बनने की, क्लॉट बनने की। अगर एंगल कम आ रहा है, कम मतलब काफ़ी कम एंगल आ रहा है, लो जा रहा है, 47 से नीचे जा रहा है, लो की साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि फिब्रिन स्ट्रैंड की अक्यूमुलेट होने की स्पीड कम है। स्पीड कम क्यों है, डायरेक्टली वही हम बात करेंगे, स्ट्रैंड क्लॉट बनने की स्पीड कम क्यों है, क्योंकि फिब्रिन स्ट्रैंड्स कम स्पीड में बन रहे हैं। ये क्यों कम स्पीड में बन रहे हैं, क्योंकि फिब्रिनोजन का लेवल कम है, इसलिए इनकी स्पीड भी कम हो रही है। तो लो अल्फा एंगल हमें क्या बता रहा है, लो फिब्रिनोजन लेवल बता रहा है। हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे, हम क्या ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, वही सेम क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूज़ करके हम फिब्रिनोजन का जो लेवल है वो नॉर्मल पे लाएंगे, जिससे अल्फा एंगल भी क्या हो सके, नॉर्मल हो सके, उसकी जो स्पीड है फिब्रिन एक्यूमुलेशन की वो भी नॉर्मल आ सके। नेक्स्ट है हमारा MA, जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये हमें क्या बताता है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाइएस्ट वर्टिकल एम्पलीट्यूड। हमें क्या बता रहा है, हाईएस्ट वर्टिकल एम्पलीट्यूड बता रहा है। देखिए ये हाईएस्ट वर्टिकल मतलब इस डायरेक्शन में, तो वर्टिकली हमें हाईएस्ट एम्पलीट्यूड बता रहा है कि फिब्रिन स्ट्रैंड की स्ट्रेंथ कितनी है। ये यहाँ से फिब्रिन स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड्स थे वो इकट्ठे हो रहे थे, अक्यूमुलेट हो रहे थे, क्लॉट बनता जा रहा था, लास्ट ये यहाँ तक आया और उसके बाद ग्राफ नीचे जाने लगा। तो इसने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें क्या बता रहा है, ये हाईएस्ट वर्टिकल एम्पलीट्यूड बता रहा है। डायरेक्टली हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि फिब्रिन स्ट्रैंड जो बना है उसकी स्ट्रेंथ कितनी बनी है, उसकी मोटाई, उसकी स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग वो बना है। सो इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द फिब्रिन क्लॉट। ये अल्टीमेटली हमें क्या बता रहा है, फिब्रिन क्लॉट की स्ट्रेंथ कैसी है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसी है क्लॉट की। तो क्लॉट की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्लॉट की स्ट्रेंथ या क्लॉट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, प्लेटलेट्स पे डिपेंड करती है 80%, और 20% ही किस पे डिपेंड करती है, फिब्रिन पे डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ब्लड कोएगुलेशन होता है उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेट होता है। तो यहाँ पे एग्रीगेशन सबसे पहले प्लेटलेट्स का हो रहा है। यहाँ पे जो सबसे पहले सरफेस, जो ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स है ना, ये कहाँ बिछना स्टार्ट होते हैं, ये एक नेटवर्क की तरह होते हैं, ये नेटवर्क बिछना स्टार्ट होता है जाल की तरह, किसके ऊपर, यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठी होती हैं उसके ऊपर ये स्ट्रैंड्स लगते हैं। तो 80% क्लॉट के अंदर जो रोल है, जो क्लॉट को एक स्टेबिलिटी दे रहा है, एक स्ट्रेंथ दे रहा है, वो कौन दे रहा है, 80% प्लेटलेट्स दे रही हैं, और 20% ये आपको फिब्रिन क्लॉट, ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स दे रहे हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली 80% किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लेटलेट की कॉन्सेंट्रेशन पे, और 20% किस पे डिपेंड कर रहा है, फिब्रिन की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कम आ रहा है, अगर ये एम्पलीट्यूड कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लेटलेट्स की ही, प्लेटलेट्स के अंदर कोई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। प्लेटलेट्स के अंदर, क्योंकि 80% प्लेटलेट पर डिपेंड कर रहा है, तो प्लेटलेट्स में कोई क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम है तो हम क्या ट्रांसफ्यूज करेंगे, उसको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब लास्ट है हमारा LY30, जिसे हम कहते हैं लाइसिस 30 मिनट्स। इसका क्या मतलब क्या है, इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ एम्पलीट्यूड रिडक्शन एट 30 मिनट्स आफ्टर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल गया था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलने के बाद क्या हुआ, फिब्रिन स्ट्रैंड अब टूटना स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक तो फिब्रिन स्ट्रैंड बन रहा था, उसके बाद फिब्रिन स्ट्रैंड टूट रहा है, जिसे हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। देखिए यहाँ पे कोएगुलेशन हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक ब्लड क्लॉट बन रहा था,
उसके बाद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया, उसके बाद फिब्रिनोलाइसिस होना स्टार्ट हो गया, फिब्रिन स्ट्रेंड टूटना स्टार्ट हो गए। तो जैसे फिब्रिनोलाइसिस स्टार्ट होता है या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बाद फिब्रिनोलाइसिस स्टार्ट हो गया, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीच होने के 30 मिनट बाद कितना लाइसिस हुआ है वो होता है आपका LY30। ठीक है, तो वो मेजर करता है परसेंटेज को, परसेंटेज के रूप में ये मेजर करता है कि एट 30 मिनट, 30 मिनट पर, यहाँ से यहाँ तक ये 30 मिनट लगा तो 30 मिनट पे कितना लाइसिस हुआ था, वो परसेंटेज हमें LY30 बताता है। सो इट मेजर्स फिब्रिनोलाइसिस। डायरेक्टली क्या कर रहा है LY30? फिब्रिनोलाइसिस की रेट को बता रहा है कि हाँ 30 मिनट्स पे 0-8% हो जाना चाहिए। 30 मिनट्स में अगर 0-8% लाइसिस हो रहा है तो मतलब वो नॉर्मल है। तो LY30 हमें क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ बता रहा है फिब्रिनोलाइसिस की। सो अगर नॉर्मल परसेंटेज हम देखेंगे तो उसकी कितनी आती है? 0-8% आती है। अगर LY30 इंक्रीज आ रहा है इसका मतलब फिब्रिनोलाइसिस भी ज़्यादा हो रहा है। फिब्रिनोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है तो LY30 क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। अगर फिब्रिनोलाइसिस उसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, फिब्रिन स्ट्रेन जल्दी जल्दी उसके अंदर टूट जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे? उस पेशेंट को हम एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स ड्रग्स पे रखेंगे। सो या दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोइलास्टोग्राफी एंड थर्मोइलास्टोग्राम। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।